We are going to announce about the grand, the groundbreaking landmark researchers that are happening at India's most premium research organizations and institutions. Ambrosia Food Farm Company and Cronewitz Private Limited are the world's first and world's number one company to come up with a phytochemical based curative and preventive medicine. I'm not going to declare all the details at this moment because the respective dignitaries will be explaining the details to you. And I would like to announce human trials for an initial and final phase and preclinical trials and sare humne karaye hain और इसको हमने मॉडर्न जो है मेडिसिन की शक्ल दी है और इस मॉडर्न जो है फॉर्म में ये आप लोगों तक ये पहुंचेगा और ये हमारा विश्वास है और हमारा ऑप्टिमिज्म है कि ये दवाई बहुत ही सक्सेसफुल तरीके से रहेगी क्योंकि इसके जो एक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं वो इसमें एक रामबाण की तरह काम कर रहे हैं और इसको बहुत जल्दी हमारे जो साइंटिस्ट है वो आप लोगों को बताएंगे। बाकी इस पूरी रिसर्च में कौन कौन से साइंटिस्ट जुड़े रहे और किन किन लोगों ने काम किया ये विकास विनोद तिवारी जी बताएंगे क्योंकि हमारे रिसर्च कोऑर्डिनेटर हैं, उन्होंने रिसर्च किया है पूरा ये इसका और सारे साइंटिस्ट के साथ डायरेक्टली जुड़े रहे हैं। तो किन लोगों ने काम किया और कितना टाइम लगा क्योंकि ऑलमोस्ट ट्रायल होते होते में 6 महीने लग गए थे इस चीज को लेकर सारे परमिशंस निकालने में, मगर अब ज्यादा टाइम नहीं है। तो विकास जी आप प्लीज बताएंगे कॉर्डिसेप्स के बारे में और उसके फ्यूचर के बारे में भी। मैं बहुत ही हम्बल बिगनिंग से स्टार्ट करना चाहूँगा। इनफैक्ट मैं सबसे पहले तो थैंक यू बोलना चाहूँगा आप सभी लोगों का जो अब यहाँ पे आए हैं, ग्रैटिट्यूड देना चाहूँगा गॉड को एंड उन सभी लोगों का जो इस प्रोसेस में शामिल रहे, उनका भी थैंक्स, पूरी एम्ब्रोसिया टीम का थैंक्स, अतीक जी की टीम का थैंक्स और उसी के साथ में हर एक उस आदमी का जिसने कल्टिवेट किया, प्रोड्यूस किया 1 ग्राम से लेके 1 किलो भी इस इंडिया में, उसका भी थैंक्स क्योंकि अगर आप नहीं होते तो हम यहाँ नहीं होते। रिसर्च टीम का तो उन्हें मैं धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा आप लोगों के सामने। एंड कहते हैं कि जैसे कोई भी अगर आप रिसर्च कर रहे हैं किसी भी किसी एक ऐसे चीज़ का जो प्लांट बेस्ड है तो काफ़ी तकलीफों का सामना करना पड़ता है क्योंकि क्या होता है कि जब आप नेचुरल चीज़ों को लेते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो नेचुरल चीज़ों को दवा से रिलेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। नेशनली ठीक है बट इंटरनेशनल मार्केट में तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। उस स्पेस पे रिसर्च टीम का हाथ बहुत ज़्यादा माना जाता है। जो हमारे पास रिसर्च टीम है जिन्होंने उसके ऊपर काम किया और आज वो उसी तरीके से उसी काम की वजह से हमें इस मकाम तक लेके आ पाए। तो मैं सबसे पहले इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा हमारे सबसे इम्पोर्टेंट जो इसमें पहलू रहे हैं जिनका मैं नाम लेना चाहता हूँ, प्रोफेसर डॉक्टर शंकर द्विवेदी जी। एक मिनट, आप यहाँ पे देख सकते हैं स्लाइड पे एम्ब्रोसिया का लोगो है, एम्स लैंडमार्क ट्रांसलेशनल ट्रायल यूजिंग कॉर्डिसेप्स कैप्सूल इन COVID-19। ये है हमारे चीफ मेडिकल एडवाइजर, इनका नाम है प्रोफेसर डॉक्टर संकल्प द्विवेदी, डीन एंड डायरेक्टर श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। डॉक्टर संकल्प द्विवेदी जी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है, इन्होंने ही एक्चुअली स्ट्रक्चर किया चीज़ों को, डिज़ाइन किया और हमारे लिए स्ट्रक्चर में ऐसे साइंटिस्ट और रिसर्चर्स की टीम बनाई जिन्होंने एक्चुअली हमें इस मकाम तक पहुँचाया। उसमें कोऑर्डिनेट करना और मल्टी डायरेक्शनल कोऑर्डिनेशन करना और इस एक्चुअली ट्रायल को एक रियलिटी का शेप देना, दैट एंटायर क्रेडिट गोज टू डॉक्टर संकल्प द्विवेदी। सो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर संकल्प द्विवेदी जी कि आप हमें इतना हेल्प करके यहाँ तक लेकर आए। उसके बाद थैंक यू। उसके बाद हमारे पास हमारे टीम में सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट जो कि काफ़ी स्टार्ट से हमारे साथ जुड़े थे, उनका नाम है डॉक्टर ओम सिलाकारी।
साइंटिस्ट एंड रिसर्चर्स ये पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर ही इज बेसिक लैब एंड मॉलिकुलर रिसर्च कंसल्टेंट। ये वो सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हमें लिटरेचर सपोर्ट और कंप्यूटेशनल एनालिसिस के बेस पे हमें इंडिकेट किया कि देयर इज अ पॉजिटिव पोटेंशियल फॉर दिस कंपाउंड टू बी अ क्यूरेटिव इन फ्यूचर फॉर कोविड 19। एंड दैट वॉज द एक्साइटिंग पॉइंट फॉर अस टू एक्चुअली मूव अहेड। और हमें जैसे कहते हैं कि जैसे आशा की किरण दिखती है आपको, तो वो रोल इन्होंने निभाया डॉक्टर ओम सिलाकारी जी, और वहाँ से सारा प्रोसेस चालू हुआ। उसके बाद डॉक्टर संकल्प जी आए और उन्होंने काफ़ी स्ट्रक्चर किया साइंटिस्ट टीम में। तो एक बार इनके लिए भी मैंने धन्यवाद कहना चाहूँगा। कहते ना कि जैसे हमारे देश में जब हम साइंटिस्ट की बात करते हैं, जब हम डॉक्टर्स की बात करते हैं, रिसर्चर्स की बात करते हैं, तो एक वो भरोसा आता है उनके साथ, उनके नाम के साथ। मैं आपको कह रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो भरोसा मुझे एक्चुअली इन नामों से आया है। क्योंकि मैं आपको सही कहना चाहता हूँ, इनका सिर्फ एम और मोटिव सिर्फ और सिर्फ लाइफ सेव करना था इस पूरे दौरान। एंड दैट आई लव द पार्ट अबाउट इट, बिकॉज मेरा ये बहुत ही डीप इंट्रैक्शन इनके साथ में हुआ है। उसके बाद आगे जाते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जिन्होंने प्ले किया है इसके अंदर, उनका नाम लेना चाहूँगा, इज प्रोफेसर डॉक्टर सिद्धार्थ पी दुभाषी नागपुर। डॉक्टर सिद्धार्थ दुभाषी हमारे प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर हैं। एक प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर की भूमिका बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है किसी भी ह्यूमन ट्रायल में, क्योंकि वही ग्राउंड पे जाके इन्वेस्टिगेट करते हैं। और जब मैं बात करता हूँ प्रिंसिपल की, इसका मतलब मैं बात कर रहा हूँ लीडरशिप की। ये मैं जानता हूँ, ये मैंने देखा है, ही इज डायनामिक, ही इज एनर्जेटिक, और उनका नॉलेज अपार, उसके साथ उनकी जो लीडरशिप है और उन्होंने जो हमें गाइड किया है और उस एंथुसिएज्म से जिसको आज यहाँ तक लेके आए मुकाम में, इंटायर क्रेडिट गोज टू एक्चुअली डॉक्टर, हमारे प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर डॉक्टर सिद्धार्थ पी दुभाषी। एंड ही इज ऑल्सो आर को पी आई, यानी कि को प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर, डेफिनेटली हेल्पिंग ऑन वन साइड डॉक्टर ओम। ही इज वन लिंक हु इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग लिंक एंड वेरी फोकस्ड लिंक, एंड आई एम सो ऑनर्ड and I seriously give gratitude from my side and from Ambrosia team side that thank you Dr. Amit Agarwal for being part of this research. Uske baad a very young team and a very dynamic Dr. Sagar Sinha, he is assistant professor EM MGM Navi Mumbai. He is on site investigator human trial. Main sahi bata raha hu, jab main inse mila tha to ek kehte hain na ki jab aap kisi se milte hain और अगर वो डॉक्टर हो तो कहते हैं कि जब आप, मैं एक्चुअली मरीज़ की तरह गया था। कहते हैं ना कि जब आप एक चीज़ को लेके चलते हो तो एक तरह के एक मरीज़ ही होते हो कि मतलब बस ये करा दो, ये हो जाए किसी तरीके से, यू नो, बिकॉज हम सभी ने इस कोरोना काल में, मतलब हमने देखा है किसी ना किसी को खोते हुए, हमारे लाइफ से किसी ना किसी को जाते हुए। आई एम श्योर आपने सबने एक्सपीरियंस किया होगा, कभी ना कभी वो फ़ोन कॉल आया होगा। तो मैं जब इनको मिला तो आई वॉज देयर कि डॉक्टर सर मतलब क्या प्लीज़ हो सकता है, कर सकते हैं। आई एम टेलिंग यू उनकी पर्सनैलिटी में वो कामनेस है, यू नो, व्हेन आई सॉ हिम एंड आई वाज लाइक यस, ही इज ऑन साइट इन्वेस्टिगेटर ह्यूमन ट्रायल, एंड आई थॉट एंड आई एक्चुअली सॉ दैट ही इज द राइट पर्सन एंड दिस ट्रायल, दिस रिसर्च इज इन राइट हैंड्स। सो वेरी वेरी थैंक यू टू डॉक्टर सागर सिन्हा कि आज हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, इस वक्त यहाँ बैठे हुए, और वो मेड इंडिट कम्युनिकेशन, शी इज़ आर रिसर्च कंसल्टेंट ह्यूमन ट्रायल। कहते हैं कि जैसे कि आपने एक थॉट तो ले लिया, उस थॉट को प्रोटोकॉल में डालने के लिए कोई बंदा चाहिए, कोई बंदी चाहिए। तो एक डबल ब्लाइंड प्लेसिबो प्रोटोकॉल को डिज़ाइन किया, और डिज़ाइन करने के बाद में उसको पुटअप किया, और जब उन्होंने वो पुटअप किया उस वक्त ऐसा था कि मतलब मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही लाइन आती थी, क्योंकि वी ऑल नो देयर इज अ फाइट टू पुट अप व्हाट यू बिलीव एंड शी बिलीव्ड आफ्टर अस। एक ही लाइन आती थी मेरे दिमाग में कि मतलब खूब लड़ी मर्दानी वो झांसी वाली रानी। इट एक्चुअली एग्जैक्टली गोज विद हर इमेज एंड जो उन्होंने काम किया उस दौरान। सो आई सीरियसली वॉन्ट टू थैंक डॉक्टर मोहिनी जी फॉर बींग पार्ट ऑफ दिस रिसर्च एंड बींग आर रिसर्च कंसल्टेंट, और आपने प्रोटोकॉल डिजाइन किया और आज इस ट्रायल को इस
मुकाम तक लेके आए। थैंक यू सो मच डॉक्टर मौली जी। और अब हम ऐसा कुछ लिखेगा इसमें भी दिस इज बेस्ड आउट ऑफ कॉर्डिसेप्स मिलिट्रिस ओनली एंड दिस इज अ रेडी फूड प्रोडक्ट। दिस इज अ रेडी फूड प्रोडक्ट और इसको ये मुकाम तक लाने के लिए मैं हमारी रिसर्च टीम, अम्ब्रोशिया टीम, एम्स टीम एंड अ वेरी स्पेशल थैंक्स टू सीसीएमडी डॉक्टर द सीईओ ऑफ सीसीएमडी डॉक्टर मधुसूदन एंड हम ये जो लॉन्च करेंगे विल बी लॉन्च बाय आवर मेंटर एंड हेड डॉक्टर मधुसूदन राव एट सीसीएमडी एंड डॉक्टर राकेश मिश्रा सीईओ सीसीएमडी। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। उनके सपोर्ट के बिना, टीम अम्ब्रोशिया के सपोर्ट के बिना ये चीज आज यहाँ पर नहीं हो सकती। और इस प्रोडक्ट की सभी जानकारी, आगे की जानकारी हम नेक्स्ट दिस कमिंग थर्सडे 22 अक्टूबर ऑफिशियली लॉन्च करेंगे एट सीसीएमडी एंड ये प्रोडक्ट लॉन्च होगा बाय डॉक्टर राकेश मिश्रा एंड द सीईओ ऑफ सीसीएमडी एंड डॉक्टर मधुसूदन राव एआईसीसीएमडी। और अंत में मैं बस ये भी कहना चाहूँगा कि कुछ लोग हैं जिनका सरकार हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था इस वीक के लिए और आई वुड लाइक टू थैंक ऑल माय टीम क्लोनिंग्स प्राइवेट लिमिटेड एंड माय टीम हियर एट अम्ब्रोशिया एंड माय फैमिली मेंबर्स माय ब्रदर्स एंड द एंटायर यूनिट ऑफ सीसीएमडी एंड गेम्स एंड दिस प्रोडक्ट विल बी एक्सक्लूसिव। ये आपको हर घर में, भारत में और विश्व भर में न्यूज हर्बल्स के थ्रू आपको हर घर में पहुंचाया जाएगा। थैंक यू सो मच। अक्टूबर के बाद में दिवाली से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ही आप लोगों को बताया जाएगा और इसके साथ में ही ये इम्यूनिटी बूस्टर एज ए कोविड-19 के तौर पर इस्तेमाल किया जाने लगेगा और दिसंबर 13 के बाद में जो वो ये कैप्सूल आपके सामने रखे हैं ये कैप्सूल एज ए क्यूरेटिव मेडिसिन के तौर पे आ जाएगा जो जनवरी में हमारा जो नियम का पेपर रहेगा। ये हमारी तरफ से है और बाकी जो हमारे टीम के पीछे जो पर्दे के पीछे जो बहुत सारे लोग काम करते हैं मैं उन्हें स्टेज पर बुलाना चाहूँगा और सभी के तरफ से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा। सो प्लीज जो भी टीम मेंबर हैं टीम एम्ब्रोशिया हैं एक सेकंड सामने देख लीजिएगा सर। ठीक हो गया अभी नहीं अरे रुक जाना अभी दो मिनट। इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पे इसकी अवेलेबिलिटी दिवाली तक होना स्टार्ट हो जाएगी और क्यूरेटिव मेडिसिन के तौर पे जब इसके अप्रूवल के साथ में जो आएगा वो जनवरी 1st से इसकी अवेलेबिलिटी इंडियन मार्केट में हो जाएगी सारे स्टेट में सारे जगह। और हमारा कोशिश ये है कि जितने भी मेडिकल जो स्टोर होते हैं वहां तक आपकी रीच में पहुंचाया जा सके। इसको स्टोर करना, खरीदना और रखना बहुत ही इजी है, साइड इफेक्ट नहीं है, इसीलिए बच्चे भी खा सकते हैं, बड़े भी खा सकते हैं, बूढ़े जिसको खाना है खा सकते हैं। इट्स 100% सेफ प्रोडक्ट। और ये आम आदमी के बोनस के पास होगी जी सर? इसका एक्चुअली जो है प्राइस आम आदमी की ही रीच में रखने की हमारी पूरी कोशिश है। जिस तरीके से हमने शुरुआत में इसका प्राइस रखे थे वो अभी प्राइस इसके स्लैश किए भी जाएंगे और ये हम कोशिश करेंगे कि जितना मैक्सिमम बेनिफिट नीचे तक पहुंचाया जा सके उतना हम लोग करेंगे। और क्योंकि इसकी इफेक्टिवनेस भी हमने और बढ़ाई है नए फॉर्मुलेशन के जरिए
तो डेफिनेटली हम ब्रिज तक पहुंचाएंगे। और मैं तो हमेशा मानता हूं कि अगर हमारे लाखों रुपए लग रहे हैं और कुछ हजार में अगर हम ठीक हो सकते हैं तो वो डेफिनेटली। और ये करीब 4,000-4,500 तक की रेंज में जो पूरे कोविड का जो ड्रग उतरेगा वो इस लेवल तक आ जाएगा कि उसका पूरा कोर्स जो है 4,000-4,500 रुपए तक निपट जाएगा। सर मेरे हिसाब से होता है ये कंपैरिजन करना इसलिए ठीक नहीं क्योंकि एक तरीके से देखा जाए तो ये दो हाथ हैं। एक वो है जो कि प्रिवेंटिव में आ रहा है वैक्सीन हेल्दी वर्जन को लगेगा मगर बाई चांस अगर किसी को इन्फेक्शन हो जाता है तब उसकी वैक्सीन काम नहीं करती है तो उसमें क्यूरेटिव मेडिसिन होती है। तो ये मान लीजिए मेरे घर की सफाई करने के मेरे दोनों हाथ लग रहे हैं लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड तो वही वाली कंडीशन है। किसी भी वायरस के पेंडेमिक के लिए दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव। तो वैक्सीन भी उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी ये दवाई है तो ये दोनों साथ में काम करेंगे। इनका ना ही कोई कंपटीशन है ना ही इस तरीके कोई अल्टरनेटिव नहीं है एक दूसरे के। उसका अपना काम है इसका अपना काम है तो दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है।